सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम आपके लिए एक बेहतरीन वीडियो लेके आए हैं जिसमें आपको काफी कुछ जानने को मिलेगा। तो इस वीडियो को अंत तक देखें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए साथ मिलकर ये वीडियो देखते हैं। जय हिंद, जय भारत। एंड एयरपोर्ट को इनफैक्ट एक्सपेंशन करने की बात चल रही है। एविएशन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ऑलरेडी 1500 करोड़ इसके लिए सैंक्शन कर दिए हैं कि रनवे को एक्सपैंड करना है, एक और रनवे रखना है, क्योंकि फ्लाइट्स इतनी, मतलब डिमांड इतना ज्यादा है खास करके पीक टूरिस्ट सीजन में कि एक रनवे कम पड़ जाता है। और मैंने तो ये भी सुना है कि शायद अनंतनाग में, क्योंकि ऑलरेडी जो है वहां पर एक मिलिट्री रनवे जैसा कुछ बना हुआ है, मैंने सुना है कि उसको अब वो तब्दील करके एक सिविलियन रनवे बनाकर शायद वहां भी एक एयरपोर्ट बनाए। ये बस, लेकिन ये रूमर है। लेकिन इससे पहले जो मैंने कहा कि अच्छा, श्रीनगर एयरपोर्ट का एक्सपेंशन, वो सारा प्रोजेक्ट ऑनगोइंग है। जी बिल्कुल सही मैम। एक चीज हम देखते हैं, पाकिस्तानियों की जुबानी हम लोग सुनते हैं कि कश्मीर के अंदर कश्मीरी मतलब उस तरह से रिलीफ नहीं है उन्हें, या फिर मजहबी राइट्स नहीं है वहां पे, जो हिंदू पंडित हैं उनकी ज्यादा चलती है। इस तरह के मतलब स्टेटमेंट्स पाकिस्तान की जानिब से दी जाती है। इवन के पाकिस्तान की पब्लिक ही नहीं बल्कि हमारे प्राइम मिनिस्टर्स की जानिब से भी ये सब कुछ कहा जाता है। तो आप बताइएगा रियलिटी कि क्या सच है, क्या मजहबी राइट्स हैं, और क्या जो मैंने पंडित की बात की है, क्या ऐसा है या नहीं है? कश्मीरी पंडित तो यहाँ है ही नहीं। कितने हैं इनको, इनका अच्छा तो एक्सोडस हो गया था, शायद आपको पता होगा, क्योंकि आपके यहाँ से जो फॉरेन टेररिस्ट हमारे यहाँ आए थे, उन्होंने जो यहाँ पर लोगों को डरा के रखा था, सिविलियंस को, ये नहीं कि मुसलमान भी उनसे बचे, मुसलमानों को भी डरा के रखा, तभी तो मुसलमान कुछ कर नहीं पाए अपने कश्मीरी पंडित भाई बहनों के लिए, तो यहाँ से निकल ही गए। वो है ही नहीं यहाँ पे, तो उनकी कौन सी चलेगी यहाँ। इनफैक्ट हम कोशिश कर रहे हैं कि उनको वापस बुलाएं, हम कोशिश कर रहे हैं कि उनके टेम्पल्स को हम रिस्टोर करें, और वो रिस्टोर हो भी रही है बहुत ही अच्छे से। शारदा पीठ जो है हमने रिस्टोर कर दिया, इसमें जो बॉर्डर पे आता है LOC पे, करना साइड पे, तो हमने उसको रिस्टोर, वो उनका पीठ है, मतलब एक पिलग्रिमेज का पॉइंट है हिंदुओं का, उनसे वो छीन लिया गया था, उसको वैंडलाइज कर दिया गया था। अब सोचिए कितनी गुनाह की बात है किसी की इबादत की जगह को इस तरह से वैंडलाइज करना। तो ये सब आपको तो पता है, पाकिस्तान में ये होता रहता है, अफगानिस्तान में भी ये होता रहता है, तो आपको ज्यादा पता होगा कि किस किस तरह से यहाँ पे हिंदुओं को जीने दिया ही नहीं। अब हम जो है नया जनरेशन, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इनको हम वापस लाएं, क्योंकि जो पुराना जनरेशन है शायद उनको पता ही नहीं था कि इन सब चीजों से कैसे डील किया जाए। जो बढ़ती हुई दहशतगर्दी पार बिल्कुल से आ रही थी, तभी जो है शायद सिक्योरिटी फोर्सेस, इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस भी इतने तैनात नहीं थे जितने आज हैं उनको, क्योंकि किसी किसी ने ये सोचा नहीं था कि पाकिस्तान इस तरह की हरकत करेगा। और एक बार कबालियों को भेजा, दूसरी बार जो है फॉरेन ट्रेन टेररिस्ट को भेजा यहाँ से हिंदुओं को मार के भगाने के लिए, और अलग अलग किस्म की अफवाहें फैलाने के लिए कश्मीर को लेके। तो ये बातें जो आप सुनते हो, ये जाहिर सी बात है ये सच्चाई नहीं है, क्योंकि ये इस तरह की चीजें हैं जो कश्मीर को लेके, ये इस तरह की प्लानिंग है जो बहुत सालों से हो रही है, और लेकिन ये प्लानिंग कभी सक्सेसफुल नहीं होती, क्योंकि पाकिस्तान कभी कश्मीर को जीत नहीं पाया, ना सच के बलबूते पे ना झूठ के बलबूते पे, कभी नहीं जीत पाएगा। क्योंकि देखिए जाहिर सी बात है, आप कभी मजहब का वो बोलते हो, दावा करते हो, कभी आप लोग दावा करते हो कि, मतलब मैं आपकी नहीं बात कर, मैं आपकी लीडर्स की बात करें, कभी हम मजहब होने का दावा करते हो, कभी ये दावा करते हो कि यहाँ पर मुसलमानों के साथ जुल्म हो रहे हैं, कभी ये कभी वो, कभी ये दावा करते हो कि जो मतलब डिवीजन हुआ भारत का और पाकिस्तान का, वो गलत हुआ, और दरअसल कश्मीर को पाकिस्तान में होना चाहिए था। मतलब जो भी जिस भी मुद्दे पर आप लोगों ने कश्मीर का मुद्दा उठाया, जिस भी रीजन के लिए, जिस भी वजूहात के पीछे, वजूहात के ऊपर आपने कश्मीर का मुद्दा उठाया, लेकिन कोई भी वजह ने आपको जीत नहीं दिलाई कश्मीर में। सो ये एक चीज है, चाहे आपने सामने से वार किया हो कारगिल में जब आपने वॉर इनिशिएट की थी, या चाहे प्रॉक्सी वॉर किया, या पीछे से बैक स्टैबिंग किया, जो भी किया, किसी भी तरीके से कश्मीर को नहीं जीत पाए और ना जीत पाओगे, क्योंकि जाहिर सी बात है
हम भारत के साथ ही जुड़े हुए हैं और हमें ये चीज पर, जैसे आपने खुद कहा कि आप खुद भारत का हिस्सा और फिर मुस्लिम बने, ये नहीं कहना कि आप फिर मुस्लिम बने, मुस्लिम जहां पहले से थे, लेकिन कुछ ऐसे मुस्लिम थे जिनको लगा कि भारत के साथ जुड़ के रहना सही नहीं है और उन्होंने जो है माइग्रेट किया वहां पर। वो सिर्फ इसलिए उन्होंने सोचा था क्योंकि भारत में हिंदू ज्यादा रहते, लेकिन जो हम जैसे लोग और हमारे जो एंसेस्टर्स हैं वो यहीं रहे, उनको मौका था लेकिन वो पार नहीं गए। वो इसलिए नहीं गए क्योंकि उनको भरोसा था कि हमारे हिंदू भाई बहनों के साथ हम खुशी से रह सकेंगे। और आज तक अगर किसी ने किसी को, किसी की वजह से किसी को अगर दिक्कत हुई है, तो वो कश्मीर की मैं बात करूं तो वो हमारे हिंदू भाई बहनों को हमारी वजह से दिक्कत हुई, हमें उनकी वजह से तो नहीं हुई कभी। जी मैम, जैसे आपने ये सब कुछ बताया, इसे तो रियलिटी बेस यही लग रही है कि कश्मीरी बहुत खुश हैं। इनफैक्ट जो इंडियन मुस्लिम्स होंगे वो भी बहुत खुश होंगे। एक और बहुत आपसे मैं थोड़े सेंसिटिव क्वेश्चंस कर रही हूँ, माजरत उसके लिए, लेकिन मैं रियलिटी जानना चाहती हूँ कि अभी तक पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि हर दूसरे बंदे के पास जब हम जाते हैं पब्लिक रिव्यूज देते हैं तो हमारे मुंह पे ये होता है कि भाई आप कश्मीर की डेवलपमेंट दिखा रहे हो, आपको नहीं पता कश्मीर के अंदर कितना जुल्म है, आपको नहीं पता कश्मीर के अंदर पंडित है, मतलब इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, उस पे हम चुप कर जाते हैं, हमारे पास कोई जवाब नहीं होता क्योंकि हम रियलिटी उस तरह से नहीं जानते जिस तरह से आप सब जानते हैं। तो अगर मैं बात देखिए, करूं इंडियंस, जैसे आपने कहा है कि उनके साथ आप खुश हैं। जी मैं समझ गई आपका सवाल, मैं समझ गई। आप मुझे जी बताइए, जी मैं कुछ देखिए, ये आप लोगों की गलती नहीं है कि आप लोगों को इस तरह का प्रोपेगेंडा सुनाया जाता है। आप वही मानेंगे जो आपकी मीडिया में बोला जाता है, आपकी टेक्स्ट बुक्स में बोला जाता है, आप उसी चीज को फॉलो करो। लेकिन वो सब जो है क्रिएटेड है, एक होता है असली में होना और दूसरा होता है क्रिएटेड। तो आपका जो भी नैरेटिव है वो क्रिएटेड है, क्योंकि पाकिस्तान इज स्ट्रगलिंग टू हैव एन आइडेंटिटी, और उस आइडेंटिटी का, फेक आइडेंटिटी का एक जी हिस्सा ये है कि भाई कश्मीर रेजिस्टेंस में कश्मीरियों का साथ देना, तो वो एक अलग चीज है। उसको बहुत ही ज्यादा मैं समझती हूँ आप लोगों के सामने रखा गया है इस तरह से। लेकिन मैं आपको एक सिंपल सवाल पूछती हूँ, आप और आप ही की कंट्री का सवाल पूछूंगी, बिकॉज जाहिर सी बात है आपको ज्यादा पता नहीं है कि हमारी कंट्री में क्या हो रहा है, आप इसीलिए आप लोग इतने कंफ्यूज हो इस चीज को लेकर। आप ही की कंट्री की बात करते हैं, जिन लोगों ने मिलके, आपको शायद याद हो, आपको पता होगा कि कितनी ऐसे केसेस हुए हैं जहां पर माइनॉरिटीज को लिंच किया गया पाकिस्तान में, आप मानते हो? मुझे लगता है श्रीलंकन एक कोई फैक्ट्री वर्कर था, उसको लिंच किया गया है ना पंजाब पाकिस्तान में, ही वॉज अ क्रिश्चियन, एक क्रिश्चियन लेडी को भी लिंच किया गया। लिंच का मतलब आप समझती हो, मतलब एक ग्रुप, पूरा मॉब मिलके किसी को मार देना। मेरे ख्याल से क्रिश्चियन फैमिली को लिंच किया गया था, 2015 की बात है। तो बहुत सारे ऐसे केसेस हैं, लिंचिंग मतलब पूरा एक ग्रुप मिलके किसी को मार देना जस्ट बिकॉज, और वो भी खास करके इसलिए क्योंकि वो समझते हैं कि ये किसी तरह के काफिर हैं, ठीक है ना? तो ये हुआ था, लिंचिंग इस तरह की बहुत हुई है माइनॉरिटीज के साथ पाकिस्तान में। मुझे बस इतना बताइए, जिन लोगों ने, मैं ये नहीं कह रही कि सारे पाकिस्तानी ऐसे हैं, बट जिन लोगों ने लिंच किया उस क्रिश्चियन फैमिली को 2015 में, ओके, मुझे वैसे बहुत केसेस हुए पाकिस्तान में, लेकिन मुझे वो वाला याद, 2015 में क्रिश्चियन फैमिली को लिंच किया गया, मेरे ख्याल से पंजाब के ही किसी इलाके में, किसी गांव में, पाकिस्तान पंजाब। जिन लोगों ने लिंच किया, क्या वो तरक्की पसंद लोग थे, क्या वो टेक्नोलॉजी पसंद लोग थे, मुझे बताइए बस इतना। मैम, यहाँ पर मैं बीइंग अ पाकिस्तानी अगर बात करूँ तो यहाँ पर जज्बाती लोग ज्यादा हैं, जो मजहब के नाम पर नहीं, मैं जज्बात में आ इतना जाते पूछ हैं रही हूँ, या फिर पाकिस्तानी या मैं मुस्लिम बस होने के इतना पूछ रही हूँ ना, आप बस हाँ या ना में जवाब दीजिए। जिन लोगों ने लिंच किया, माइनॉरिटीज को तंग किया, क्या वो तरक्की पसंद लोग थे या टेक्नोलॉजी पसंद लोग थे, जिन्होंने लिंचिंग और तकलीफ दी माइनॉरिटीज को? नहीं जाहिर सी बात है, जो इसका मतलब जो तरक्की पसंद और टेक्नोलॉजी पसंद लोग हैं वो माइनॉरिटीज को तंग नहीं करते, जो नहीं है वो करते हैं, मतलब जो है वो नहीं करते, एम आई राइट? तो जब आपको ये दिखाया जा रहा है कि भाई वहां पे टेक्नोलॉजी बहुत है, जाहिर सी बात है इंडियन गवर्नमेंट टेक्नोलॉजी पसंद है, प्रोग्रेसिव है, प्रोग्रेस पसंद, तरक्की पसंद गवर्नमेंट है, तो क्या वो माइनॉरिटीज को तंग करने के लिए, क्या उनके पास फर्स्ट ऑफ ऑल वक्त भी नहीं है? जो लोग तरक्की पसंद होते हैं उनके पास इस तरह के जज्बात
एक्सप्रेस करने का वक्त ही नहीं होता। दूसरा, ऐसे जज्बात ही नहीं होते उनके अंदर, क्योंकि वो हर वक्त सिर्फ तरक्की का सोचते हैं। तो जो गवर्नमेंट तरक्की पसंद है वो कहाँ से आके माइनॉरिटीज पे जुल्म करेगी? क्योंकि आपने खुद अपनी जबान से बोला, जो लोग जुल्म करते हैं माइनॉरिटीज पे वो दरअसल तरक्की पसंद होते ही नहीं। सो द ऑपोजिट अप्लाइज। जी दोस्तों, आशा करता हूँ कि वीडियो आपको काफी पसंद आई होगी। अगर इस वीडियो में आपको अच्छी जानकारी मिली तो इस वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए ऐसी लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहें। तो अगली वीडियो तक आप अपना ध्यान रखिए, जल्द मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।